ये आलू को काट करके धो के साफ कर दिए हैं, और यहाँ पर एक ठो टमाटर काट दिए और एक ठो प्याज काट दिए हैं। कढ़ाई चढ़ा दिए दोस्तों, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और ये तेल थोड़ा सा हम लोग का बचा हुआ है, क्योंकि दूर से बारिश हो रहा है, दुकान भी जा नहीं पा रहे हैं। आज थोड़ा सा छूटा हुआ है, देखते हैं दुकान जाना होगा। सारा चीज़ ख़त्म हो गया है घर का, और आलू भी इतना कम बचा हुआ था हम लोग का, ये इसी को आज हम लोग बनाते हैं। आग थोड़ा सा तेज कर देना होगा। प्याज लाल हो चुका है दोस्तों, अभी आलू को डाल देते हैं। ये टमाटर भी डाल देते हैं। ये नमक भी डाल देते हैं पहले। और ये मसाला भी डाल देते हैं, छह हल्दी भी डाल देते हैं, बस इतना काफ़ी है। और इसको मिला देते हैं। ये थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देते हैं। पानी डाल देते हैं अभी। और ये ढक्कन लगा देते हैं। अभी थोड़ा सा बारिश थमा हुआ है दोस्तों, और अभी हम लोग का आलू का सब्जी भी तैयार होने वाला है। रोटी तो तभी से हम लोग बना लिए थे, और खाना भी लगभग हम लोग का बन चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों, बारिश अभी रुका हुआ है, और हम लोग छाता वगैरह फुटा करके रखे हैं। दिन भर बारिश हो रहा था, रात को भी बारिश हो रहा था, और कल तो दिन भर बारिश हो रहा था, आज भी सुबह से बारिश हो ही रहा था, अभी अभी छूटा हुआ है। ये हम लोग का आलू का सब्जी भी तैयार हो चुका है दोस्तों, अभी हम लोग उतार देते हैं और रोटी के साथ खाते हैं। इसको उतार देते हैं अभी। ये गर्मा गर्म रोटी भी निकाल ली है दोस्तों, और आलू का सब्जी भी हम लोग का तैयार हो चुका है। खूब मस्त बना है दोस्तों आलू का सब्जी।
अभी सुबह का नाश्ता हो गया दोस्तों, और दोपहर का भोजन तो हम लोग दोपहर को ही खाते हैं 12 बजे के बाद। और अभी बारिश होने के कारण सब घर पर ही है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। बाकी बचा हुआ सब्जी दोस्तों घर में रख देते हैं, भात के साथ खाएंगे।